हेलो एवरीबॉडी, मैं हूँ रौनक और मैं हूँ आनंद कॉलेज पे आज। आनंद इंटरनेशनल कॉलेज है जो कि कानोता में है, मीना पार्ली में, जयपुर से थोड़ी बाहर है। तो इस कॉलेज में अगर आपका एग्जाम सेंटर आता है ऑनलाइन या किसी भी तरीके इस कॉलेज में काम हो, मैं कॉलेज कैंपस में खड़ा हूँ। तो देखो, इसमें कैंटीन तो ये रही और गाड़ी पार्किंग हो रही, तो कैंटीन गाड़ी पार्किंग कहाँ है? अगर पेरेंट्स साथ आते हैं तो वो कहाँ पे स्टे करेंगे? शहर से कितनी दूर है, बस कौन सी आएगी? पानी पीना हो तो कहाँ पिएंगे? अगर रेस्ट करना हो तो कहाँ? चाय पानी या फिर खाने की व्यवस्था कहाँ है? ठहरने की व्यवस्था कहाँ है? ऐसी जो बेसिक ए टू जेड इस कॉलेज के विषय में डिटेल्स है, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, इस ब्लॉग में। तो ये आपको ब्लॉग लास्ट तक देखना है, आनंद इंटरनेशनल कॉलेज का। ज़्यादातर कॉलेज के मैं वीडियोज़ बना चुका हूँ, चूंकि मैं जयपुर रहता हूँ तो सारे मैं कवर कर देता हूँ। मैं खुद स्टूडेंट हूँ तो मुझे पता है कि बाहर से जो स्टूडेंट आते हैं उनको बड़ा दिक्कत आती है कि मोबाइल पर्स बैग जमा कहाँ करवाएंगे। तो ये सारी बेसिक डिटेल्स हैं जो ए से लेकर जेड तक आनंद इंटरनेशनल कॉलेज के बारे में आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी, तो बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक। तो सबसे पहले हम कॉलेज कैंपस से स्टार्ट कर रहे हैं। ये आज नीट का एग्ज़ाम है, ये बच्चे बाहर आ रहे हैं और ये आपका कॉलेज है। पहले आप कॉलेज देख लीजिए, इतना बड़ा कॉलेज है, इसमें गेट नंबर 1 और 2 हैं। ऑनलाइन एग्जामिनेशन हमेशा गेट नंबर 2 से इधर से स्टार्ट होती है और ये इतना बड़ा कैंपस है, राइट साइड से कोई एग्ज़ाम नहीं होती, हमेशा लेफ्ट साइड की जो बिल्डिंग बच्चे आ रहे हैं इधर ही ऑनलाइन एग्जामिनेशन होती है। तो अच्छे से आप पूरी कॉलेज देख लीजिए एक बार, उसके बाद हम छोटी छोटी और बेसिक डिटेल्स पर बात करेंगे। और कॉलेज आपने देख लिया है, अभी ये जो रोड है ये मेन गेट से और कॉलेज तक के बीच का है, जैसे कि मैं आपको थोड़ा घूम के दिखाऊं, वो हमारे सामने कॉलेज है, ठीक है। तो ये रास्ता है जिस पे आप आराम से बाइक भी खड़ी कर सकते हैं और रेस्ट भी कर सकते हैं। अब ये कॉलेज के हम बाहर खड़े हैं, देखो ये कच्चा ही रोड है और जस्ट कॉलेज का मेन गेट है, गेट नंबर 2। यहाँ पे सामने चाय की थड़ी है जिस पे आपको कोल्ड ड्रिंक मिलेगी पीने के लिए, चाय बिस्किट, और सामने की तरफ खाली फील्ड है जिसमें इतनी सारी कार। आसपास आपको ईंट के भट्टे बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे, ये ईंटें रखी हैं। तो फोर व्हीलर अगर आप लेके आते हो तो पार्किंग की कोई दिक्कत नहीं है, और चाय पानी आप इस होटल में पी सकते हो, उस पर कोल्ड ड्रिंक बिस्किट चाय ये सामान मिलता है। और ये NH 11 जो हाईवे से आ रहा है ये रास्ता है, और हम अभी खड़े हैं कॉलेज के आगे। तो रास्ते में इस तरीके से देखो कारें खड़ी हो जाती हैं, चूँकि एग्ज़ाम आज था नीट का तो इतने सारे व्हीकल्स हैं तो बड़ी दिक्कत होती है। ये आनंद एग्जामिनेशन गेट नंबर 2 आप ऐसा लिखा हुआ देख सकते हैं, और ये मैजिक खड़ी है, ठीक है। तो ये चाय की थड़ी और ये हमारी हो गई कॉलेज। कॉलेज के सामने का रास्ता, इस पर भी आपको व्हीकल्स ऐसे मिलेंगे, गेट नंबर 2 आनंद कॉलेज आप देख सकते हो। और ये लास्ट तक व्हीकल हैं, आगे ग्रामीण इलाका है इधर की तरफ, और ये हमारा है रास्ता। कॉलेज के अंदर क्या क्या फैसिलिटी मिलेंगी हम उस बारे में बाद में करेंगे। पहले जो NH 11 से जो रोड आ रहा है, 1 किलोमीटर भी नहीं है, लगभग 800-900 मीटर है NH 11 से, तो वो रोड है ये। ये हाईवे से आपको इस कॉलेज में आना पड़ेगा। एक्चुअली जाने की फुटेज एग्ज़ाम दे के हम जा रहे थे, पहले शूट नहीं कर पाया, बारिश का मौसम था, आपको गड्ढे मिल सकते हैं अगर बारिश में आप एग्ज़ाम देने आ रहे हो तो, अन्यथा आपको सूखा ही मिलेगा। तो ये वो रोड है जो आपको क्रॉस करना पड़ेगा। बारिश थी तो कीच था बहुत, मतलब पानी वानी भरा था। और मैं अपने व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ स्क्रीन पे, तो अगर कोई भी जानकारी पूछनी हो, डिटेल्स, आपको हेल्प चाहिए रुकने से संबंधित, तो मैं आपकी कर दूँगा। इधर सामने NH 11 है और ये मेन हाईवे से कॉलेज है, वो लगभग 700-800 या फिर नॉर्मली हम 1 किलोमीटर कह सकते हैं अंदर की तरफ आपको इस रोड पर आना पड़ेगा। अगर आप बस से आते हैं तो हाईवे पे उतर सकते हैं, फिर पैदल तो 5 ही मिनट में पहुंच जाओगे। हाईवे पे आपको कुछ परीक्षार्थी मिल जाएंगे मेरे राइट साइड पे, हमारे राइट साइड पे गेट नंबर 1 है जो कि कॉलेज वाले स्टूडेंटों के लिए अलाउड होता है उधर। और ये जो रास्ता है ये, इसमें है गेट नंबर 2, इसमें हमारी एग्ज़ाम होती है ऑनलाइन, गेट नंबर 1 से एंट्री नहीं मिलती, हमेशा एग्ज़ाम 2 नंबर से मिलेगी। ये देखो बच्चे खड़े हैं इधर, ऑटो ऑटो भी मिल जाएंगे आपको अगर व्हीकल की सुविधा नहीं है। ये बच्चे वही हैं एग्ज़ाम दे के आ रहे हैं, वो राइट साइड में आप देखोगे तो आनंद कॉलेज का वो लग रहा था बोर्ड। और जस्ट कॉलेज से बाहर निकलते पेट्रोल अगर आपको लेना हो तो मुझे ये यही दिखाना था कि राइट साइड में पेट्रोल पंप है, आप देख पाओगे वो साइन है, कॉलेज के बाहर ही आपको पेट्रोल पंप मिलेगा। और ये है NH 11, यानी ये जो कॉलेज है ये कानोता में है और ये ऑन हाईवे है, सिटी से आपको ये 10 किलोमीटर पड़ेगी, जयपुर शहर से 10 किलोमीटर है। अगर रेलवे स्टेशन सिंधी कैंप और जयपुर जंक्शन से बात करें तो लगभग 20 से 22 किलोमीटर की दूरी पे ये कॉलेज आपको पड़ेगी। पास में ही एक शहीद की पुलिया या शहीद की पुलिया कुछ है, तो आप
कार या मोटरसाइकिल से आ रहे हो तो इसको अंडर नीचे होके आना, अन्यथा नीचे होके नहीं आए तो हाईवे पे कट नहीं है तो लंबी दूरी हो जाएगी, इसलिए पुलिया के नीचे होके आप आ सकते हो। वापस हम कॉलेज में आते हैं। अब मैं आपको अंदर कॉलेज में ले जाता हूँ। कॉलेज में जस्ट बाहर ऐसे देखो ये लॉन लगा हुआ है और यहाँ पे कोई भी रुक सकता है, सो सकता है, एक बंदा सो रहा था। और ये मेन गेट से कॉलेज का रास्ता है, ठीक है। कॉलेज का बाहर का मैंने आपको बताया। आप कॉलेज के जस्ट बाहर पहुँचते हो तो इधर देखो बड़े बड़े अक्षरों में राइट साइड में इधर ये वाला पार्किंग का एरिया है, पार्किंग लिखा हुआ है। अंदर ही कैंटीन है बाहर की तरफ ही, जो कि पेरेंट्स अगर स्टूडेंट के साथ आते हैं कोई एग्जाम दिलाने उनके भी द्वारा इजीली एसेसिबल है। और ये वैसे तो है ही आनंद कॉलेज की ज़मीन है इधर भी और इधर भी, इनका खुद का इन्वेटर है, खुद का टावर है सामने की तरफ है जो प्राइवेट टावर है, ये रोड इनकी है, बहुत बड़ा कॉलेज है ये। इधर देखो दोस्तों पार्किंग है, आप कार की सिक्योरिटी के हिसाब से अंदर लेके आना चाहते हो तो अंदर भी पार्क कर सकते हो, बाकी बाइक वगैरह तो यहाँ पे भी ये रास्ता इस पे पार कर सकते हो। और ये पार्किंग है तो ये इधर आप अपनी कार बाइक वगैरह पार्क कर सकते हैं। पार्किंग का ध्यान देना है कि 10 रुपये चार्ज करते हैं ये लोग। चेंज वगैरह अगर आप इसके आगे पीछे कर सकते हो कपड़े, क्योंकि नीट का एग्जाम है आज तो ड्रेस कोड था, तो ऐसी कॉलेज है मतलब यहाँ पे यहाँ कुछ सुविधा है, मतलब ऐसे कोई स्पेस की कमी नहीं है, सारी स्पेस मिल जाएगी। और भी मैं क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं वो सारी आगे वीडियो में बता रहा हूँ। अब कुछ स्टूडेंट्स की इंक्वायरी ये रहेगी कि सर हमें एग्ज़ाम नहीं देना है इसमें, हमें पढ़ना है, तो कौन कौन से कोर्सेज चलते हैं और ये कॉलेज कैसी है, अच्छी है कि बुरी है या कैसी है, तो उस बारे में हम थोड़ी आगे बात करेंगे। देखो ये कॉलेज में जो पहली कैंटीन पड़ेगी इसमें चाय बन रही है, यहाँ पे खाने में आपको यहाँ मिल जाएगी कचौड़ी और पैटीज और कुछ ऐसे ही नॉर्मल आइटम मिलेंगे पूरे खाने पीने के। अगर आपको खाना खाना है तो दोस्तों विशेष ध्यान ये रखना पड़ेगा, यहाँ पर खाने की व्यवस्था नहीं होगी, जैसे नॉर्मल खाना हम रोटी सब्जी दाल चावल कुछ खाते हैं, तो अगर आप घर से लाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा, पैकिंग करवा के लेके आओ और यहाँ बैठ के खा लो। ये वेटिंग एरिया इधर की तरफ वॉशरूम है और ड्रिंकिंग वाटर है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, राइट साइड में खाली फील्ड है। तो सामने फैसिलिटीज़ हैं ही एंड सी, अलग अलग आपकी हैं, महिलाओं की अलग है पुरुषों की अलग है, तो यहाँ पे आप फैसिलिटीज़ ले सकते हो। बाथरूम वगैरह नहाने का तो मुझे कन्फर्म नहीं है, तो कोई अगर इस कॉलेज में पढ़ता है और वीडियो देख रहा है तो कॉमेंट में बता दे कि नहाने का जुगाड़ है क्या। ये आपकी सीमेंटेड टेबल बिछी हुई हैं जिन पर आप आराम से बैठ सकते हो, ये आंटी जी पानी पी रही हैं, तो ठंडा ड्रिंकिंग वाटर है। और ये जो कॉफ़ी शॉप वगैरह है वो थी जिसमें आपको जनरली खाने पीने का बिस्किट नमकीन वगैरह मिल जाएगी। सामने एक LED लगी हुई है TV वेटिंग एरिया में, और ये है आपकी कॉफ़ी शॉप सामने जिसमें वही नॉर्मल बस खाना नहीं मिलेगा प्रॉपर, आप यहाँ सेल्टर पर बैठ सकते हो, TV देख सकते हो, बहुत अच्छी फैसिलिटी है। इस कॉलेज में जो फैसिलिटी मुझे मिली वो कहीं पर भी नहीं मिली, वेटिंग एरिया है हर जगह ही, मतलब बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। सामने की तरफ अगर आप अपने मोबाइल चेन पर्स बैग बटुआ कोई सामान है अकेले आए एग्ज़ाम देने तो वो जमा करवा सकते हो, बहुत से स्टूडेंट्स की ये इंक्वायरी होती है, तो सामान आपका यहाँ जमा होगा कोई भी अगर आप सामान जमा कराना चाहते हो तो। अगर कोई बंदा इस कॉलेज में पढ़ता है या फिर एग्ज़ाम दिया है तो कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर लिखना कि कीबोर्ड कौन से हैं और कंप्यूटर कौन सा है इस कॉलेज में, क्योंकि कुछ स्टूडेंट को होता है कि उनकी टाइपिंग की एग्ज़ाम होती है, तो ज़रूर ये लिखना। यहाँ पर आप अगर आपका एडमिट कार्ड भूला हो तो एडमिट कार्ड निकाल सकते हो, फ़ोटो बनवा सकते हो हैंड टू हैंड और फोटोकॉपी हो जाएगी, यहाँ पे आधार कार्ड वगैरह निकलवा सकते हो इमरजेंसी में कोई भी दिक्कत हो जाए तो, क्योंकि इस कॉलेज के आसपास कोई भी इंटरनेट की दुकान नहीं है और ये बिल्कुल आउटसाइड पड़ती है, जयपुर रेलवे स्टेशन से 20-22 किलोमीटर दूर है, और यहाँ पे कोई ई मित्र की दुकान तो है नहीं, मतलब बाहर भी जंगल का इलाका है, तो अंदर एक ही शॉप है जिस पर ये इमरजेंसी काम हो जाएंगे, फ़ोटो कॉपी करवाना और ये सब कुछ हो जाएगा इसमें, और मोबाइल बैग पर्स भी जमा हो जाते हैं। बाकी कोशिश करना अगर आपके कोई साथ आए तो, देखो जैसे कि ये बंदे बैठे हुए हैं तो कहीं पे भी आप बैठ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस ये कि थोड़ा खाना अगर साथ में लेके आओगे तो सब कुछ इजी हो जाएगा। और ये हमारी कॉलेज है, और देखो आने के लिए आपको आपकी व्यवस्था करनी पड़ेगी, या फिर आप सिंधी कैम बस स्टैंड से आओगे तो 14 या 15 नंबर बस आती है, और जाने कोई दिक्कत नहीं है, जाओगे तो एग्ज़ाम छूटते ही आपको यहाँ पे दो बस खड़ी मिलेंगी जो कि आपको रेलवे स्टेशन ट्रांसपोर्ट नगर सिंधी कैम्प छोड़ देंगी। बस नंबर 14 और 15 सिंधी कैंप रेलवे स्टेशन से आती हैं और ये काणोता से आगे भी जाती हैं आनंद कॉलेज के आगे होके, तो बस नंबर 14-15 जो कि मिनी बस होती हैं इनसे आप आ सकते हो। ये मैंने बता दिया आपको बस का। बैठने का तो कहीं भी बैठ सकते हो, लेट सकते हो, कंबल चादर अगर लेके आ सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर आपको ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो ओला उबर की टैक्सी भी लेके आ सकते हो जिसमें आप 10 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से, तो हाईएस्ट मैंने बताया है, पे कर सकते हो, तो 150-200 में आपको सिटी से कॉलेज तक बंदे छोड़ देंगे, ठीक है। ये कुछ ऐड और बैनर वाले होते हैं, चूँकि नीट का एग्ज़ाम था तो डॉक्टर की पता नहीं क्या ऐड कर रहे थे,
अभी ये कॉलेज का वही एरिया है, पार्किंग और कॉफ़ी शॉप, यहाँ हर जगह स्पेस स्पेस है, तो पेरेंट्स अगर साथ में आते हैं कोई दिक्कत नहीं होगी, कहीं भी लेट सकते हैं। बस थोड़ा खाने का इशू है, एक तो यहाँ पे खाना नहीं मिलेगा प्रॉपर, और दूसरा है कि इंटरनेट की एक ही दुकान है जो कि कॉलेज वालों की है। कुछ यहाँ पे साइन बोर्ड्स वगैरह लगे हुए हैं जिन पर रेट लिखी हुई है कि कितने रुपये में क्या काम होगा, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ आगे। जैसे कि आप फ़ोटो बनवाओगे दो तो 40 रुपये लगेंगे, अगर हेलमेट जमा कराओगे 10 फ़ोटो कॉपी के 5 हैं, प्रिंट आउट के 20 रुपये हैं। इस तरीके से आप ये जनरल इन्फॉर्मेशन है ये पढ़ सकते हो। और ये देखो पेरेंट्स हैं जो बच्चों का वेट कर रहे हैं एग्ज़ाम का, ये जो आपकी एंट्री होती है एग्ज़ाम सेंटर की वहाँ पे है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज़्यादा स्पेस है। लड़कियों की लाइन अलग लगती है, लड़कों की अलग लगती है, और ये रेलिंग लगी हुई है तो आसानी से एंट्री हो जाती है। कोरोना का टाइम है तो मास्क लेके आएँ बस, और कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई ड्रेस कोड है तो उसको भी आप फॉलो करें, ठीक है। तो यहाँ से एंट्री होगी और हम कॉलेज के अंदर अब चल रहे हैं। आप कॉलेज देख लेना आपका कॉलेज कैसा है। हाँ, तो आपको अगर ये पूछना है कि भाई कोर्स कौन से चल रहे हैं या फिर पढ़ने में कॉलेज कैसी है, तो भैया कोई भी अगर किसी बंदे ने, अगर कोई सीनियर हो जो आनंद कॉलेज से पढ़ा हो, तो उससे कांटेक्ट करो आप, तो बहुत बेहतर रहेगा। वो आपको बताएगा कि कॉलेज कैसी है और एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं। हाँ, व्हीकल्स की कनेक्टिविटी अच्छी है, बस मिल जाएगी, ऑन रोड हाईवे पे है। और अगर आपको कोई कॉलेज के बारे में कोई स्पेशली जानकारी लेनी है तो गूगल पे आप आनंद कॉलेज इंटरनेशनल कॉलेज सर्च करोगे, वहाँ पे फ़ोन नंबर आएंगे, उन पे फ़ोन करके आप पूछ सकते हो कि कौन कौन से कोर्सेज चलते हैं, कितनी फ़ीस है, अगर आपकी ये इंक्वायरी है तो। दोस्तों ये कॉलेज है आपका, ये कैंपस है, गेट नंबर एक पहली तरफ है, मतलब अपोजिट साइड में है, जिस पर कि स्टूडेंट ही अलाउ होते हैं, पढ़ने वाले बच्चे आते हैं। गेट नंबर 2 से ऑनलाइन एग्जाम की एंट्री होती है, जिससे कि हम आएँ। और पूरा रास्ता मैंने आपका बाहर का दिखा दिया है, और मैं कॉलेज का बाहर का इलाका दिखा दूँगा। तो देखो, अब खाने पीने का बता दिया, पार्किंग बता दी, कॉल लेटर बता दिए आपको, और पानी पीने की सुविधा, बाथरूम करने का सीन दिखा दिया है, और कॉलेज भी दिखा दिया। उम्मीद करता हूँ मैं लगभग सारी जानकारी दे दी है, कुछ भी अगर मुझसे छूट जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं आपको वहाँ क्लियर कर दूँगा। बाकी मैंने व्हाट्सअप नंबर भी दिए हैं, तो आप व्हाट्सअप पर कॉन्टेक्ट कर लो। हाँ, एक चीज़ ये रह गई थी कि ठहरने की व्यवस्था। दोस्तों कॉलेज के आसपास ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं है, अगर आपको ठहरना है तो सिटी में ही ठहरना पड़ेगा, और मॉर्निंग में जल्दी सेंटर पे आना पड़ेगा। ये कॉलेज का बाहर का इलाका है, तो जो बाहर बंदे बैठे रहेंगे, अगर आप साथ आ रहे हो तो ये एंजॉय कर सकते हो। पानी भरा है, ईंट के भट्टे ज़्यादा हैं, तो ऐसा सीन मिलेगा बाहर देखने को। ये कॉलेज की बाउंड्री है, ये है हमारा वापस से कॉलेज का मेन गेट, और एग्ज़ाम ख़त्म होते ही हम इस रोड को फॉलो करेंगे जो कि हाईवे पे जा रहा है, ठीक है। चाय की थाली पे भी हम बैठ सकते हो। दोस्तों आनंद कॉलेज में मैंने सारी लगभग जानकारी दे दी है, और देखो कॉलेज एग्ज़ाम भी ख़त्म हो गई है, बच्चे आ रहे हैं, पीछे कॉलेज है, शाम का मौसम है। तो उम्मीद करूँगा आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपकी कोई भी इंक्वायरी हो या मेरे से कोई क्वेश्चन छूट गया हो तो आप मुझे कॉमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपकी उस बात का जवाब दूंगा, और जो आप पूछेंगे मैं उसका जवाब दे दूंगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब करके जुड़ना ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।